अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हुआ तो वहां अचानक हड़कंप मच गया। कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर चले गए तो कई लोगों को न चाहते हुए भी अफगानिस्तान में रहना पड़ा। सड़कों पर बंदूक लहराते तालिबानी, जहाज पर लटकते लोग, एयरपोर्ट के उस पार जाने के लिए रोते बिलखते लोग, मंजर बेहद खौफनाक था। लोग हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अफगानिस्तान अब कभी बस नहीं पाएगा। समय बीता, लोगों ने ना चाहते हुए भी तालिबानी हुकूमत को स्वीकार कर लिया। जिस देश ने अफगानिस्तान की मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया वो था भारत। अफगानिस्तान अब तक आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और भारत लगातार अनाज अफगानिस्तान में भेज रहा था। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान अब भी भुखमरी से गुजर रहा है। वहाँ 19 मिलियन से अधिक लोग भुखमरी का शिकार है। ऐसे में भारत अफगानिस्तान को मदद भेज रहा है। जापानी अखबार निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत ईरान के माध्यम से महत्वपूर्ण मदद भेजकर अफगानिस्तान में अपने सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक प्रवक्ता ने बताया कि आने वाले महीनों में भारत अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की मदद भेजने वाला है। ये गेहूं ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के हेरात क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के माध्यम से 50,000 टन गेहूं का परिवहन करने का प्रस्ताव रखा था। अफगान तालिबान के दबाव के बाद पाकिस्तान ने नवंबर 2021 में इस पर सहमति दी और फरवरी 2022 में भारतीय गेहूं की पहली खेप पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान पहुंचाई गई। बाद में भारत की अपील के बावजूद पाकिस्तान ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया, आपूर्ति को 40,000 टन तक सीमित कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की लगातार आनाकानी के बीच ईरान का रास्ता अपनाया और अफगानियों का सहयोग किया। इससे भारत की स्थिति अफगानिस्तान में और मजबूत होगी। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने निक्केई एशिया से कहा कि भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है और अफगानिस्तान इसे महत्व देता है। हम भारत के साथ अच्छे, मैत्रीपूर्ण और मजबूत लोगों से संबंध चाहते हैं। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत का आभार। तालिबान के इस बयान के बाद भारत अफगानिस्तान के संबंध को लेकर स्थिति सकारात्मक तो नजर आ रही है, लेकिन क्या भारत सचमुच तालिबान के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर सिर्फ मानवीय आधार पर मदद पहुंचाई जा रही है? इसे लेकर किसी तरह की कोई पुख्ता पुष्टि नहीं की जा सकती। ये तो समय ही बताएगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा।